तो आज हम फर्स्ट डे पढ़ने वाले हैं, डे वन। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल। क्लियर है? बेसिकली ओएसआई मॉडल के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा इन बिटवीन 2000 और 2020 में बहुत सारे चेंजेस आए मोबाइल फोन में जी, 2000 और 2020 के बीच में। कैसे? अगर आप 2000 से लेके 2007 तक जाते हैं, और अगर आपके एक यूजर के पास नोकिया मोबाइल फोन है और दूसरे यूजर के पास एक आईफोन है, क्या डेटा शेयर कर सकते थे? नहीं, डेटा शेयर नहीं होता था। अब देखिए प्रॉब्लम आ गई थी। अब उन्होंने क्या करा, डेवलपर्स ने अब एक क्या करा, 2010 से 2020 में कुछ एप्लीकेशन डेवलप करी। जैसे आपकी एक एप्लीकेशन है शेयर इट, जैसे ना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है एप्लीकेशन में, कि भाई अगर आपके पास एक नोकिया ब्रांड या कोई अदर ब्रांड का मोबाइल फोन है और एक आईफोन है, तो आपका डेटा क्या हो सकता है, शेयर हो सकता है। लेकिन इस डेटा को शेयर करने के लिए एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैन। लैन क्या होता है, एक लोकल एरिया में रखते हैं दोनों डिवाइस को। जी सर, क्लियर है? चलो अब देखो ओएसआई मॉडल भी कुछ ऐसे काम करता है। बेसिकली क्या होता है ओएसआई मॉडल को, क्या बोलते हैं, मैं इसके फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसे बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्लियर है? ओएसआई को किसने डेवलप करा था? आईएसओ ने डेवलप करा, आईएसओ। क्लियर? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ऐसे करके बोलते हैं इसको। जी सर, क्लियर है? आईएसओ ने इसको डेवलप करा था 1979 में। जी सर, इसमें करा था 1979 में। और चेंजेस होते गए तो कुछ इयर्स आगे पीछे मिलेंगे बुक्स में, लेकिन बना कब था? 1979 में। अब ओएसआई को बनाने का रीजन क्या था? जैसे आपने देखा होगा, आप अगर एक होम यूजर है तो आपके पास पीसी होता है। जी, पीसी को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। अब ये किस लिए यूज होता था? डेटा सेव करने के लिए, जी सर, फाइल्स क्रिएट करने के लिए। अब सपोज करो आपने एक पीसी परचेस करा, ये पीसी परचेस करा, अब क्या होता था, पहले आपके पास सिर्फ तीन ही वेंडर थे। वेंडर कौन कौन से थे जो डिवाइस देते थे पीसी? एक था आपके पास आईबीएम, दूसरा कौन था, माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा वेंडर था एप्पल। एप्पल। अब इन्हीं तीन ही वेंडर्स के क्या चलते थे, पर्सनल कंप्यूटर। इन्होंने क्या बोला, इन वेंडर्स ने क्या करा, इन वेंडर्स ने बताया कि जब भी कोई यूजर पर्सनल कंप्यूटर परचेज करता है तो हम उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं? कुछ गाइडलाइंस बता देते हैं। उन्होंने क्या बोला, गाइडलाइंस में क्या लिखा, कि सेम वेंडर डिवाइस कैन कम्युनिकेट, क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी लाइन में क्या लिखा उन्होंने, सेम वेंडर डिवाइस कैन सेंड रिसीव डेटा, क्या कर सकते हैं, सेंड और रिसीव डेटा फाइल्स। ओके, राइट नाउ उन्होंने रेड मार्कर यूज करा और थर्ड में क्या लिखा, डिफरेंट वेंडर डिवाइस कैन नॉट कम्युनिकेट, बात ही नहीं कर सकते। फोर्थ गाइडलाइंस में क्या लिखा, डिफरेंट वेंडर डिवाइस कैन नॉट शेयर डेटा फाइल्स। क्लियर है भाई? यस सर। चलो अब ये प्रॉब्लम आ गई। अब सपोज करो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में थे, उस टाइम आपने पर्सनल कंप्यूटर परचेस करके दिया, आपने अपनी एडमिन टीम को एक, आपने सीयू को दे दिया, सीयू को पास भी एक पीसी है। अब इन दोनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आपने एक केबल यहाँ से लाके इसमें लगा दिया। जी तो सर। अब ये कैसी कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है, लोकल फिजिकल। और ये कौन है, यूजर वन, यहाँ पे कौन है, यूजर टू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है नईम जी, प्रॉब्लम ये है, यूजर वन यूज कर रहा है आईबीएम पीसी और यूजर टू यूज कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट पीसी। कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता था उस टाइम? नहीं होता। नहीं, बिना ओएसआई के तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। नहीं होता। अब ओएसआई ने क्या करा, ओएसआई ने क्या बोला, विद द हेल्प ऑफ ओएसआई मॉडल, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ओएसआई मॉडल, डिफरेंट वेंडर डिवाइस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है।
क्लियर है? जी सर, अब जी सर, यहाँ पे ओएसआई ने क्या बोला, ओएसआई मॉडल प्रोवाइड लेयर्स, क्या प्रोवाइड कराई उसने, लेयर्स। ओएसआई मॉडल को आप लैपटॉप पीसी में नहीं देख सकते, ये एक ऐसा कैसा मॉडल है, लॉजिकल रेफरेंस मॉडल। क्लियर है? चलो जी सर। अब ये क्या होता है, ओएसआई मॉडल को अगर आप बुक्स पढ़ते हैं कहीं पे, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो आप बोल सकते हैं ओएसआई मॉडल एक ब्लूप्रिंट है। क्या है आपके लिए ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट का मतलब जब भी कोई वेंडर डिवाइस बनाएगा तो वो ओएसआई मॉडल की कंपैटिबिलिटी को चेक करेगा, चेक करेगा। क्लियर है? चलो जी सर। अब ओएसआई मॉडल ने क्या प्रोवाइड कराई, लेयर्स। तो देखो ओएसआई मॉडल लेयर इंफॉर्मेशन, हम क्या बात करने वाले हैं, लेयर्स इंफॉर्मेशन। तो पहली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन। जी सर। क्लियर है? लेयर नंबर 7। फिर आती है आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर नंबर 6। फिर आती है आपके पास सेशन लेयर, फिर आती है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आती है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। फिर आती है आपके पास डेटा लेयर, डेटा लेयर। फिर लास्ट में एक लेयर आती है आपके पास फिजिकल, फिजिकल। क्लियर है? जी सर। तो कितनी लेयर्स हैं, 7। प्रेजेंट कैसे करना है वो भी बताया, लेयर 7 कौन सी होती है, एप्लीकेशन। लेयर 3 कौन सी होती है, नेटवर्क। अब देखो सीनियर इंटरव्यूज में क्वेश्चन कैसे करते हैं, इंटरव्यूज में क्वेश्चन होते हैं, या आपको अगर पूरा प्रोसेस सीखना है ओएसआई मॉडल का, तो 1700 पेज की एक बुक आती है जिसपे आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें पीएचडी नहीं करना, अभी हमें क्या समझना है, नॉलेज। यहाँ पे मैंने पीसी 1 बनाया और क्या लगा दिया, पीसी 2। अब इन दोनों की कनेक्टिविटी कर दिया मैंने जी, दोनों कैसे कनेक्टेड है, फिजिकल, फिजिकल। बहुत, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनका नाम है बॉब, क्या नाम है यूजर का, बॉब, कैरेक्टर नेम। और ये कौन है, सैम। सैम, ओके सर। अब बॉब क्या बोल रहा है, डियर ब्रदर मुझे कुछ डेटा ट्रैफिक को क्या करना है आपको, सेंड। तो बॉब कौन सी साइड पे बैठा हुआ है, फ्रॉम सेंडर, फ्रॉम सेंडर साइड। और सैम क्या करेगा डेटा को, रिसीव, फ्रॉम रिसीवर। क्लियर है? चलो अब देखो बात समझो, ओएसआई मॉडल को बहुत छोटे फॉर्म में समझाता हूँ। अब बॉब को जब भी डेटा सेंड करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेटा जनरेट करना। डेटा जनरेट करने के लिए बॉब क्या यूज कर सकता है, एप्लीकेशन या सर्विस या ब्राउजर, यही काम कर सकता है। सुनो तो देखो, अब बॉब ने क्या बोला कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कौन सी एप्लीकेशन है मेरे पास, व्हाट्सएप। तो बॉब ने पहले कौन सी एप्लीकेशन खोली, व्हाट्सएप। तो उसने कौन सी लेयर का यूज करा, एप्लीकेशन। अब जब बॉब ने एप्लीकेशन लेयर ओपन कर ली, उसके बाद उसने क्या बोला, अब मुझे इस लेयर से क्या जनरेट करना है, इस लेयर से क्या जनरेट करना है, इस लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे वो क्या जनरेट करेगा, डेटा। जो हाई मैसेज लिखेगा वो किस पे लिखेगा, एप्लीकेशन लेयर को ओपन करके। जब एप्लीकेशन लेयर से डेटा जनरेट करा तो अब वो लेयर कौन सी पे गया, प्रेजेंटेशन। अब आपने जो डेटा लिखा है वो कौन सी फॉर्मेट में है, डेटा प्रेजेंटेशन, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में था, क्योंकि बॉब ने कौन सा मैसेज भेजा था, हाई मैसेज। एप्लीकेशन यूज करके कौन सा मैसेज जनरेट करा, हाई मैसेज। और उसको प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रही है, रिस्पॉन्सिबल है, क्या है उसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है। प्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबल है कि उसका जो टेक्स्ट वाला डेटा है वो सैम को एज इट इज देना है। क्लियर है जी? प्रेजेंटेशन लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, डेटा के लिए, डेटा टाइप क्या है। चलो ओके सर। अब प्रेजेंटेशन लेयर के बाद बॉब गया कौन सी लेयर पे, सेशन, सेशन लेयर। वहां पे उसने चेक करा कनेक्टिविटी, मोबाइल डेटा ऑन है या ऑफ है। नहीं, अगर ऑन होगा तभी तो सेंड होगा, ऑफ होगा तो क्लॉक बनी आ जाती है वेटिंग में। चलो जी, सेशन लेयर के बाद डेटा किस पे पहुंच गया, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा। अब डेटा को ले आते टाइम आप दो तरीके की सर्विस यूज करते हो, एक होती है पेड, एक होती है फ्री। पेड सर्विस में डेटा डिलीवरी गारंटी हो सकती है, पेड सर्विस जो आप लेते हो कोरियर सर्विस, वो क्या होती है, सर्विस डेटा डिलीवरी गारंटी लेते ना, कि आपको जो डिलीवर हो गई होगा। और अगर आप महीने की
फ्री सर्विस को यूज करते हो तो गारंटीड मिलती है क्या? नहीं। तो आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल यूज करते हो, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी रिलायबल और यूडीपी अनरिलायबल। अब ऐसे बात कि जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई डेटा जाएगा, अगर उसका एक्नॉलेज आ गया, यानी डेस्टिनेशन ने रिसीव करने के बाद मुझे एक मैसेज करा आई एम रिसीव, तो वो रिलायबल है। अगर नहीं करा तो कैसा है? अनरिलायबल। ओके सर। जैसे आप बैंकिंग यूज करते हो, नेट बैंकिंग। जी सर। जैसे नेट बैंकिंग यूज करते हो आप, तो नेट बैंकिंग में जब भी पैसे भेजते हो, सेंड करते हो या रिसीव, तो आपके पास एक मैसेज आता है। डियर क्या आता है? मैसेज। मैसेज से पता चलता है कि ये आप जो नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो ये रिलायबल है। अगर नेट बैंकिंग यूज करते टाइम आपके डेबिट क्रेडिट का मैसेज नहीं आया, क्या रिलायबल है कम्युनिकेशन? नहीं नहीं। चलो, अब ट्रांसपोर्ट लेयर से आप पहुंच गए किस पे? नेटवर्क। नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर पे बिना मोबाइल नंबर के आप मैसेज भेज सकते हो? नहीं नहीं हो सकता। यानी डेस्टिनेशन का आपको मोबाइल नंबर पता होना चाहिए और आपके का भी क्या होना चाहिए? मोबाइल नंबर। नेटवर्क लेयर आपके नेटवर्क में क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक आईडी यानी आईपी एड्रेस लगाती है। क्या लगाती है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। चलो, अब नेटवर्क लेयर पे आईपी लगा, फिर किस पे गया ये? डाटा। डेटा लिंक पे। अब देखो क्या होता है, मोबाइल जब आप परचेज करते हो तो उसके साथ आईएमआई नंबर मिलता है। जी सर। वो आईएमआई नंबर से आप क्या कर सकते हो? उस हार्डवेयर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, यस और नो? और हार्डवेयर जो बनता है वो कौन बनाता है? वेंडर। तो आईएमआई नंबर किसने असाइन करा? वेंडर ने। तो डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस लगते हैं। क्या लगते हैं? मैक एड्रेस, यानी उनको बोल सकते हो आप हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस। जी सर। क्लियर है? चलो जी, अब आपका डेटा किस पे आया? फिजिकल पे। अब आपका कंप्यूटर हाई मैसेज समझ सकता है? नहीं जी। कंप्यूटर तो कौन सी लैंग्वेज समझता है? 01। यानी डेटा फिजिकल लेयर पे किस में कन्वर्ट हुआ? बिट में, बाइनरी में हो गया कन्वर्ट। अब डेटा कन्वर्ट होने के बाद किसका हैंडओवर हो गया? सैम को। वायर से जा रहा है, सैम के पास आया। अब सैम कौन सी लेयर पे पहले डेटा रिसीव करता है? तो आपके पास व्हाट्सएप पे हाई मैसेज आता है, वो कौन सी लेयर पे आता है पहले? फिजिकल। फिजिकल पहले वो टावर पे सिग्नल्स आते हैं, ये सुनो जी। और टावर पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है मोबाइल नंबर से, तो वो तब आपके पास आता है। तो सैम ने फिजिकल पे लिया और इस फिजिकल डेटा को किस पे दे दिया? आप डेटा पे। उसने बोला आइडेंटिफाई कर भाई कौन सोर्स है और कौन डेस्टिनेशन, लेकिन मैक एड्रेस देखना, हार्डवेयर एड्रेस। अब डेटा लिंक ने बोला मैं आपको कौन सी लेयर दे रहा हूँ? नेटवर्क। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क पे क्या देख लो? आईपी एड्रेस। अब नेटवर्क के बाद कौन सी लेयर पे आया? ट्रांसपोर्ट। डेटा अगर रिसीव होगा तो मुझे रिप्लाई करना है, आई एम रिसीव वाला। चलो देख लेंगे। अब उसने कौन सी लेयर पे दे दिया? ट्रांसपोर्ट के बाद। सेशन। कि मेरा मोबाइल डेटा ऑन है या नहीं। चलो, अब उसके बाद किस पे गया? प्रेजेंटेशन। कि डेटा कैसा आया था? टेक्स्ट में आया था या ऑडियो फाइल थी? कभी ऐसा हुआ है कि आपने टेक्स्ट मैसेज भेजा हो और ऑडियो में कन्वर्ट हो गया? पॉसिबल है? नहीं नहीं सर। तो बैकएंड में कौन सी लेयर? प्रेजेंटेशन लेयर चल रही होती है, रिस्पॉन्सिबल। अब ये डेटा किस पे दिखेगा आपको? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कौन सी वाली? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे। क्लियर हुआ इतना? तो सेंडर के टाइम पे कौन सी पहली लेयर होती है बताइए? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। और रिसीवर के टाइम पे कौन सी पहली लेयर होती है? फिजिकल। फिजिकल। क्लियर है? जी सर। क्लियर है इतना? चलो, अब आ जाओ, हम पहली लेयर ही पढ़ेंगे क्योंकि हम सेंडर है। कौन है हम? सेंडर। सेंडर है। पहले डेटा जनरेट करना सिखाना पड़ेगा ना, तो एप्लीकेशन से होगा। तो आपकी पहली लेयर से बात करते हैं हम, कौन सी है? एप्लीकेशन। देखो, मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ किस लिए यूज होती है। इन दिस लेयर यूजर जनरेट अ डेटा ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस। किसके हेल्प से? एप्लीकेशंस की हेल्प से। एंड सर्विसेस। सर्विसेस। क्लियर? क्या करता है? इन दिस लेयर यूजर जनरेट डेटा ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन एंड सर्विसेस। एप्लीकेशन लेयर सर्विस रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट डेटा ट्रैफिक। क्या जनरेट करने के लिए? डेटा ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए। क्लियर है? चलो, अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन आया सर, एप्लीकेशन क्या होती है? जैसे आप जाओ विंडो पे क्लिक करो, मैंने बोला कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर के आगे क्या लिखा हुआ रहा है?
नीचे देखिए, देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कैलकुलेटर लिखा, ऐप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ऐप, ठीक है, एप्लीकेशन। चलो अब मैंने जैसे लिखा एमएस पेंट, तो ये भी क्या है? जी जी आप एप्लीकेशन है। चलो मैंने लिखा रन, ये भी क्या है? चलो मैंने लिखा कंट्रोल पैनल, ये भी क्या है? एप्लीकेशन। चलो मैंने लिखा फायरवॉल, ये भी क्या है? एप्लीकेशन, दिख रहा है ना। चलो अब इन सबको जब मैं यूज करूंगा तो मैं क्या जनरेट करूंगा? डेटा, एप्लीकेशन डेटा। जी सर, यस और नो? चलो अब ये जो मेरा ब्राउजर है, आप देख रहे हैं जो ब्राउजर है, अगर मैं यहाँ पे गूगल लिखूंगा तो ये मुझे इंटरनेट सर्व करा देगा? जी सर। यस और नो? नईम जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर, जी सर, थोड़ा स्लो हो रहा है जी सर, लग रहा वीडियो रुक रहा सर, आप जो टाइप कर रहे सेम टाइम पे नहीं आ रहा। एक बार रीज्वाइन कर लीजिए अगर इशू आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है नईम जी, एप्लीकेशन लेयर पे मैंने एप्लीकेशन यूज करी डेटा जनरेट करने के लिए। सपोज करिए मैंने ब्राउजर ओपन करा और यहाँ पे गूगल लिख के एंटर कर दिया, तो मेरे पे गूगल इंटरनेट सर्व कर सकता हूँ। अब ऐसा कोई आउटपुट है कि विदाउट एनी ब्राउजर आप इंटरनेट सर्व कर सकते हैं? नहीं। गूगल यूट्यूब देख सकते हैं? नहीं। अब एप्लीकेशन तो यूज करनी ही करनी है। अब ब्राउजर भी क्या है मेरे लिए? एप्लीकेशन। देख लो आप, क्रोम लिखो, क्रोम पे क्या लिखा आ रहा है? एप्लीकेशन। तो अब ये एप्लीकेशन से ही डेटा जनरेट होगा, लेकिन एप्लीकेशन लेयर के साथ साथ आप क्या यूज कर सकते हो? सर्विसेज। सर्विस, अब देखो सर्विस कौन कौन सी यूज करते हैं मैं लिख देता हूँ। जो बेसिक आपकी जो सर्विसेज हैं जो रियल टाइम में यूज होती हैं, HTTP, जी सर, HTTPS, FTP, DNS, DNS, क्लियर है? चलो जी सर, अब एप्लीकेशन लेयर ही आपको एक और एडवांस डिटेल बताती है, उसे बोलते हैं फीचर्स। क्या प्रोवाइड कराती है? फीचर्स। फीचर्स, क्लियर है? चलो जी सर, फीचर्स में आपके पास दो फीचर होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन दूसरा ऑफलाइन, और ऑफलाइन एक होता है आपके पास फीचर नोटिफिकेशन का। जी सर, होता है नोटिफिकेशन। तो अब ये जो आपको सर्विसेज सीखनी है, अब इनके बारे में बात करते हैं कैसे करना है। बेसिकली इन सर्विस सीखने के लिए आपको एक स्मॉल डायग्राम दिखा देता हूँ, मैं बना रहा हूँ। जैसे आपका होम यूजर भी हो सकता है, ऑफिस यूजर, ये यूजर का एक पीसी है। यूजर किससे कनेक्ट होता है? मॉडेम से। मॉडेम से। और मॉडेम को कौन कनेक्ट करके जाता है? ISP। क्लियर है? तो ये डायग्राम याद रखना है, यही हमें OSI क्लियर करवाएगा। क्लियर है? ओके सर। चलिए क्लियर है? ओके सर। बात करते हैं अब यूजर को नेम जी डेटा जनरेट करना है, तो मैंने क्या ओपन करी यहाँ पे? एक एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में कोई भी ब्राउजर यूज कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउजर यूज करा है G.C, यानी गूगल क्रोम। चलो अब गूगल क्रोम पे मैंने कौन सी टैब ओपन करी? टैब नंबर 1। और टैब नंबर 1 पे मैंने क्या करा? टैब नंबर 1 पे गया और टैब नंबर 1 पे मैंने कौन सी वेबसाइट ओपन करने के लिए ट्राई करा? CCNA। क्या लिखा? CCNA। और जैसे ही लिख के मैंने इस पे कि जैसे ही ये वर्ड लिखा और एंटर करा, यूजर ने क्या जनरेट कर दिया वहां पे? यूजर ने क्या बोला? मैंने क्या जनरेट करा है? डेटा। और ये डेटा यूजर ने जनरेट करा और किसको हैंड ओवर करने के लिए कर दिया? ये यूजर से मॉडेम। मॉडेम ने किसको दे दिया? ISP को। ISP। अब ISP ने क्या करा? आपको रिप्लाई करा मॉडेम ने किसको दिया? यूजर को। यूजर को। यूजर ने कहां से जनरेट करा था डेटा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन को हैंड ओवर कर दिया। एप्लीकेशन ने जैसे ही डेटा लिया, उसने बोला मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है। कौन सी वेबसाइट ओपन करी? http://ccna.com। अब देखो इसने एक बैकएंड में एक सर्विस यूज करी, आप देख के बता सकते हैं कौन सी सर्विस है? सर्विस का नाम क्या है? HTTP। अब देखो HTTP के बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं। बेसिकली HTTP को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
क्लियर है? यस अब देखो इसमें क्या होता है, व्हेनेवर यूजर यूज एचटीटीपी सर्विस एंड ट्राइंग टू सेंड एंड रिसीव डेटा ट्रैफिक, ऑल डेटा ट्रैफिक प्लेन टेक्स्ट, किसमें होता है? प्लेन टेक्स्ट, कोई भी देख सकता है। दूसरा, इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, सिक्योर कनेक्शन क्या नहीं है आपका? सिक्योर नहीं है सर। किसके बीच में? क्लाइंट और सर्वर और सर्वर के बीच में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, डेटा इंक्रिप्शन प्रोसेस नेवर परफॉर्म, क्या नहीं होता उस पर डेटा? इंक्रिप्शन का नेवर परफॉर्म, इंक्रिप्शन ही नहीं होता। चलो दूसरी बात खत्म हो गई, अब नेक्स्ट। इंक्रिप्शन प्रोसेस सिक्योरिटी सर। यस यस, इंक्रिप्शन मींस सिक्योरिटी। जैसे आपने ए लिखा और उस पर मैंने कोई पासवर्ड लगा दिया 1 2 3, अब जब तक वो पासवर्ड आपको नहीं पता तो आप ए देख ही नहीं सकते। क्लियर है? जब आपको अकाउंट डिटेल देखनी होती है, बैलेंस ओटीपी डालना पड़ता है या पासवर्ड, जी जी, तो आपके अकाउंट को डिक्रिप्ट करके आपको शो कराता है। इफ यूजर यूज एचटीटीपी सर्विस एंड ट्राइंग टू सेंड क्रेडेंशियल, क्या देने की कोशिश कर रहा है वो? क्रेडेंशियल, यूजर नेम पासवर्ड, इन बिटवीन क्लाइंट एंड यूजर, क्लाइंट एंड सर्वर, समवन कैप्चर ऑल डेटा ट्रैफिक एंड स्निफ ऑल डिटेल्स, क्या कर सकता है वो? डिटेल्स को स्निफ कर सकता है। क्लियर है? तो इसलिए हम HTTP को कभी यूज नहीं करते। अब देखो याद रखना एक बात, जब भी आप HTTP की सर्विस यूज करोगे तो उसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 80। क्लियर है? चल जी सर। अब देखो, अब इस यूजर ने ये वेबसाइट लॉगिन करी, इस वेबसाइट पे लॉगिन आ रहा था कि भाई यूजर नेम डालो और अपना पासवर्ड। चलो अब देखो इस यूजर ने क्या बोला, मेरा भाई यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड है इसका 1 2 3 4 5, हो गया। अब इस यूजर ने डेटा तो सेंड कर रहा है, ये सुनो। अब मैंने क्या बताया कि आपके पास ऐसा कोई टूल ही नहीं है जिसपे आप डेटा कैप्चरिंग को स्टॉप कर दो रियल टाइम में। इस मॉडेम से अटैकर ने अपना क्या अटैच करा? लैपटॉप। क्या अटैच करा भाई? लैपटॉप। और अटैकर ने लैपटॉप अटैच करा, और जो आप डेटा भेज रहे थे ना, जो आप डेटा भेज रहे थे, अब अटैकर ने उस डेटा को किधर की तरफ कैप्चर करा? इस साइड। और जैसे ही कैप्चर करा, उसने देखा इस डेटा ट्रैफिक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। देखो क्या क्या है, वेबसाइट्स नेम, दिख गया? ओके सर, क्या मिला उसको देखो, यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर। क्यों मिल गया ऐसा नाइम जी, क्या हुआ? कोई रीजन होगा ना मिलने के लिए भी तो। जी सर, वेबसाइट नेम। अब इसमें क्या बोला उसने, उसने बोला कि मैंने HTTP यूज करी थी। HTTP का मतलब ये होती है प्लेन टेक्स्ट, जो भी डेटा जाएगा वो कैसे जाएगा? प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। कैसे जाएगा? प्लेन टेक्स्ट में, यानी कोई भी इस डेटा को कैप्चर कर सकता। अब ये इन्फॉर्मेशन क्लियर कैसे होगी, ये सही है गलत है? तो मैं यूज करता हूँ फायरफॉक्स ब्राउजर। कौन सा? फायरफॉक्स ब्राउजर। इस ब्राउजर पे आप अपने सभी जितने भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो या लॉग इन करते हो, सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, HTTP वेबसाइट। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको HTTP वेबसाइट, इस पे चलते हैं। वेट करो, सर्च होने दो। जी सर। हेलो, यस सर। हाँ हाँ, मैं अभी कॉल आ जाएगी मैडम की आपके पास। हाँ हाँ, मैम को बोल दिया, वो कॉल कर लेंगे आपको, फिर मैं बात कर लूंगा आपसे। ठीक है, परेशान मत होइए, मैं खुद ही कॉल करूंगा, मेरे थोड़े बैच ज्यादा होते हैं। ठीक है, चल अब देखिए नईम जी, मैंने क्या करा यहाँ पे, एक वेबसाइट ओपन करी HTTP स्क्रैच पे, दिख रही है वेबसाइट? जी सर। अब इस पे देखो, इसके लॉक के ऊपर एक सिंबल बना दिख रहा है, रेड कलर का साइन। जी सर।
इस पे क्लिक करो और लाइन को पढ़ो क्या लिखा हुआ है रेड में, कम्युनिकेशन नॉट सिक्योर, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। अब क्लिक करो इस पे और ये लाइन पढ़ो, यू आर नॉट सिक्योरली कनेक्टेड टू दिस साइट साइट। और नीचे वाली लाइन जी सर, योर कनेक्शन बिल्ड्स इज बहुत स्लो, कोई नहीं ये देखिए आप, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट प्राइवेट, इन्फॉर्मेशन यू सबमिट कुड बी व्यू बाय अदर लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, मैसेज एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी तो कोई भी देख सकता है। अब देखो यहाँ पे, देखो जनरल में जाओ, डेटा कैसे जा रहा है आपका, टेक्स्ट में जा रहा है, टेक्स्ट में, सिक्योरिटी में जाओ और ये लाइन देखो क्या लिखा है इसने, पहले क्लियर कर दिया, कनेक्शन इज नॉट इनक्रिप्टेड, यस और नो, इन्फॉर्मेशन सेंट ओवर द इंटरनेट, अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे गई है वो कैसे गई है, विदाउट इनक्रिप्शन, ठीक है भाई, भेजा ही नहीं उसने इनक्रिप्ट करके, कोई नहीं, कैन बी सीन बाय अदर पीपल, ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी देख सकता है, व्हाइल इट इज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब कि जब भी सेंड और रिसीव हो रहा हो कोई भी उठा के देख लेगा आपकी वेबसाइट। ओके सर, तो आप कभी भी रियल टाइम में HTTP यूज कर सकते हैं नहीं, क्लियर है, तो हमेशा याद रखना अगर आपको देखना है कि ये वेबसाइट HTTP है HTTPS, तो ये वेबसाइट ओपन है, इसको कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करा और नोटपैड पे जाके क्या कर दो, इसको पेस्ट। अब इसके आगे क्या लिखा रहा है, HTTP, तो ये कौन सी वेबसाइट है HTTP, ये सिक्योर होती है नहीं, नहीं। चल बढ़िया, आ जाओ दूसरी सर्विस पे, नेक्स्ट सर्विस बहुत बढ़िया है, देखो डायग्राम तो याद रहेगा ना जी, चल हाँ, यूजर मॉडेम, ओके सर, चलो यूजर मॉडेम और ISP और HTTP सर्विस का पोर्ट नंबर 80, बड़े। अब देखो यूजर दोबारा डाटा जनरेट कर रहा है, ये मानेगा नहीं, जब तक ये करता रहेगा तब तक OSI कंप्लीट नहीं होगा। इसने डेटा जनरेट करने के लिए क्या ओपन करी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम g.c, गूगल क्रोम, और अब टैब नंबर कितना होगा, टू, ठीक है, एक टैब हम पहले यूज कर चुके हैं, यस और नो, और टैब नंबर 2 पे इसने क्या लिखा, CCNP। अब जैसे इसने CCNP लिख के नाइम जी, जैसे इसने CCNP लिखा, एंटर करा, जैसे एंटर करते हो आप, तो आप क्या जनरेट करते हो, डेटा, डेटा याद रखना है हमेशा जी सर, जैसे ही डेटा जनरेट करा आपने, वो डेटा मॉडेम पे गया, मॉडेम ने ISP को दिया, ISP ने मॉडेम को, मॉडेम से यूजर पे, अब यूजर पे आते ही यूजर ने देखा मैंने डेटा जनरेट ही किससे करा था, ऐप से, ऐप से दे दिया उसने एप्लीकेशन को, कोई इशू नहीं है। अब जो वेबसाइट आई आपकी गूगल क्रोम की टैब पे, वो क्या लिखा हुआ है पढ़िए, https://cnp.com। अब बताइए कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं आप, कौन सी सर्विस वाली, https, https। अब ये कैसी सर्विस है, पहले इसका थ्योरी पढ़ेंगे, देखो आप थ्योरी देखो, https, तो देखो HTTP की कहानी पहले पढ़ लो, इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब होता है सर्विस सिक्योर, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होता है, व्हेनेवर यूजर ट्राइंग टू सेंड अ डेटा ट्रैफिक फ्रॉम यूजर टू, यूजर ट्राइंग टू सेंड डेटा ट्रैफिक, ऑल डेटा ट्रैफिक एनकोडेड, क्या होता है एनकोडेड, एंड डेस्टिनेशन साइट डेटा विल बी डिकोडेड, इंटरनेट। इस लाइन का मतलब यह है कि इंटरनेट पे डेटा को भेजने से पहले आपका सारा का सारा ट्रैफिक क्या हो गया, इनक्रिप्ट, पासवर्ड लग गया उस पर, और वो वहीं पे खुलेगा जो उसका डेस्टिनेशन है। ओके सर, जैसे आप ब्रो कोड देखते हो, एक ब्रो कोड करके वेब सीरीज आती है यूट्यूब पे, ओके सर, उसका दोस्त बात कर रहा होता है दूसरी गर्लफ्रेंड से, उसका दोस्त कहता है भाई ये बता देना, दूसरा नाम बोल देगा, जैसे वो बोलता है हेलो, वो समझ जाता है ब्रो कोड, वो दूसरा नाम बता देता है, वैसी ही एक पासवर्ड है, जैसे आप डेटा भेजोगे, जो डेटा का आप पासवर्ड लगाओगे वो सिर्फ डेस्टिनेशन को पता है,
ओके सर, बाद जाना है, और कोई इसको अगर ले भी लेगा तो इनक्रिप्ट जो हुआ हुआ है वो डिक्रिप्ट हो ही नहीं सकता। ओके सर, क्लियर है। अब तीसरी कनेक्शन सिक्योर इन बिटवीन क्लाइंट एंड यूजर सर्वर, सिक्योर होता है भाई पूरा का पूरा। कैसे सिक्योर होता है? विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट कुछ सर्टिफिकेट यूज करते हो जैसे SSL और TLS वाले। TLS क्लियर है, ओके बात करेंगे इनके बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ यूजर सेंड डेटा ट्रैफिक एंड समवन कैप्चर डेटा ट्रैफिक इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर साइड, क्लाइंट और सर्वर की बात चल रही थी, किसी ने कैप्चर कर लिया। ओके ओके, दिस डेटा ट्रैफिक इफ कैप्चर नॉट पॉसिबल टू डिक्रिप्ट। क्या नहीं होता कभी भी? डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट होने के लिए पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो कौन कौन से, SSL और TLS, उसकी वजह से। TLS. अब याद रखना एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दे रहा हूं मैं यहां पर ऊपर। ओके, डेटा एनकोडेड एंड डिकोडेड फॉर्मेट इज ASCII और UTF। कौन सा फॉर्मेट यूज करते हो आप? ASCII और UTF। ASCII और UTF। अब कहानी ये है सर, पहले तो आप ASCII और UTF बताओ। ASCII क्या होता है? इसे बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या होता है, एक एल्गोरिथम रन होती है। क्या रन होती है? एल्गोरिथम रन होती है। अब ASCII के लिए एक टेबल होती है। क्या होती है? टेबल। टेबल में आपका डेटा होता है जीरो और वन की फॉर्मेट में। इसमें जीरो वन। और जो ASCII के लिए एल्गोरिथम लगती है, जो चलाते हो एल्गोरिथम, उसका जो साइज होता है वो होता है वन बाइट। कितना होता है? वन बाइट। वन बाइट। चलो अब इतना ही समझना है। और एक और लाइन लिख सकते हो आप ASCII के लिए, ओनली सपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, मल्टीपल नहीं सपोर्ट करता है? इंग्लिश लैंग्वेज। दैट इज द रीजन नाउ डेवलपर विल यूज UTF, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो क्या यूज करते हैं? UTF। भाई ये भी एक एल्गोरिथम रन करता है डेटा के ऊपर। उस डेटा के ऊपर एल्गोरिथम रन करने के लिए इसके पास भी क्या होती है? टेबल। टेबल में वही फॉर्मेट है जीरो और वन। अब UTF भैया आपके जो एल्गोरिथम रन करते हैं ना, उनके जो डेटा का साइज है नईम जी, जो एल्गोरिथम का साइज है वो कितना है? टू बाइट, दो बाइट का। और ये जो UTF वाले पर्सन है, ये है मल्टी वेंडर वाले, सपोज कर लो, यानी ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आपने हिंदी में बोला तो चाइना में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा। अगर आपने स्माइली भेजा तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे, यानी मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट प्लस इमोजीज ऑल्सो। ओके सर, ओके सर। अब आ जाओ दूसरी बात। अब एक होता है सर्टिफिकेट SSL और TLS। TLS ये बात कर लेते हैं। SSL और TLS, SSL और SSL और TLS क्या होते हैं मैं बता देता हूं। Whenever company provide online access web servers, इसका वेब सर्वर का एक्सेस देती है ना ऑनलाइन, then always use SS certificates। क्या यूज करती है? सर्टिफिकेट्स फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस। दिस सर्टिफिकेट विल मेक सिक्योर कनेक्टिविटी इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। चलो अब आ जाओ नीचे बात पे। दूसरे जो SSL भैया है, ये लेते हैं आपकी ये यूज करते हैं SHA-256 बिट इनक्रिप्शन। SHA-256 बिट इनक्रिप्शन। अगर गलती से आपने लिख दिया आई तो उसको कन्वर्ट कर देगा 256 कैरेक्टर में। ठीक है, चलो। ओके सर। और जो TLS भैया है, इनका अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 1.3 है,
और जो इनकी इंक्रिप्शन है AES 128 बिट, कितनी है 128 बिट, ये 128 बिट में डाल सकते हो और कुछ नहीं, क्लियर है? ओके सर। अब भाई यूजर के पास क्या आया इस वेबसाइट पे एंटर करते ही, लॉगिन डिटेल, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड है 12345। अब इस मॉडेम से कौन कनेक्ट था आपका? यूजर। अरे ये क्या हो गया, टेढ़ी मेढ़ी की हो रही लाइन है ये, चल कोई नहीं। अब ये कौन कनेक्ट कर रखा है मैंने, अटैकर, कौन कनेक्ट कर रखा है भाई, अटैकर। अब इस अटैकर को क्या करना है, डेटा कैप्चर करना है आपका, उसने डेटा कैप्चर कर लिया, डेटा तो कैप्चर कर सकता है ना ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस करके। अब जब इसने डेटा ट्रैफिक कैप्चर कर लिया ना नईम जी, तो ये बहुत खुश हो गया, ये कह रहा है अब तो मैं सब चीज देख लूंगा, पहले भी देखी थी अब भी देख लूंगा। अब इसे ये नहीं पता, अब आप देख के आयो कि मैं कौन सी वेबसाइट यूज कर रहा था पहले। अब आपकी जो वेबसाइट है ना वो है https ccnp, और अब आपका जो यूजर नेम इसके पास गया है वो देखो क्या आ रहा है जी सर, इस तरह से। अब पासवर्ड देख के तो भाग ही गया जी, यानी इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी आपको पासवर्ड विजिबल है, यूजर नेम नहीं, नहीं नहीं सर, क्यों नहीं है? सिक्योर, ये सारा डेटा कैसा है, इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड, सारा डेटा कैसा है इनक्रिप्टेड। चलो देख लो इस वेब, इस सर्विस को कैसे देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ गूगल जी सर। इस पे क्या बना हुआ रहा है, कंप्लीट लॉग, ये लाइन आ रही है रेड कलर वाली, नहीं नहीं सिक्योर सर, लॉग क्लिक करो, कनेक्शन सिक्योर क्लिक करो, इस पे सिक्योरली कनेक्टेड वेरीफाई हो गए गूगल से, मोर पे करो, जनरल में जाओ, डेटा किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एनकोड, एनकोड में सर, किस में हो रहा है, यूटीएफ, सिक्योरिटी में जाओ और ये लाइन पढ़ लो बस, कनेक्शन इज इनक्रिप्टेड, ये SHA-256 सुनो और 128 बिट की प्लस TLS का कौन सा वर्जन 1.3। चलो एक लाइन पढ़ना पड़ेगा अब आपको, थोड़ा सा ये वाली लाइन पढ़िए बस, द पेज योर वीम बहुत छोटा, कोई नहीं विजिबल नहीं है तो ये लीजिए, अब दिख रहा है, क्योंकि मैं मैग्नीफायर लगा देता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ेंगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं मैग्नीफायर से पढ़ा देता हूँ, पेज योर वीम, कोई नहीं कोई इशू नहीं है, होल्ड करिए बस, ये लीजिए पढ़िए आप, द पेज यू आर व्यूइंग, द पेज यू आर व्यूइंग वाज एनक्रिप्टेड बिफोर बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। ओके अब एक और लाइन पढ़नी है आपको, कौन सी वाली पढ़नी है देखो दिखा देता हूँ, ये वाली पढ़िए, इनक्रिप्शन मेक इट्स डिफिकल्ट, किधर सर, इनक्रिप्शन से पढ़िए, इनक्रिप्शन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द अनऑथराइज्ड पीपल टू व्यू इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग बिटवीन कंप्यूटर्स, इट इज therefore unlikely that anyone read this page as a traveler traveled across the network. जी सर, आप समझ में आया? जी सर, कहने का क्या मतलब है इनका, ये कह रहा है कि अगर डेटा भेजोगे भी तो उससे पहले इनक्रिप्ट हो जाएगा, जी, अगर भेज भी दिया तब भी इनक्रिप्शन लॉक खोल नहीं सकता कोई, तो कौन सी ज्यादा सर्विस एक्टिव करनी चाहिए, HTTP या HTTPS? जी सर HTTPS, सिक्योर, बढ़िया, चलो आ जाओ दूसरी बात, अब तीसरी सर्विस की बात आई है तो कॉपी करे हुए इसको भाई, इधर आ जाओ, यूजर है दोबारा डेटा जनरेट करना चाहते हैं तो फिर क्या ओपन कर ली, इस एप्लीकेशन कौन सी यूज कर रहे हैं हम जब से, गूगल क्रोम, टैब नंबर 3, चलो टैब नंबर 3 पे, अब जो आप परमानेंट काम करते हो हर बार, जी सर तो आप करते हो मेरे पढ़ाने से पहले, फ्री एंटीवायरस, क्या लिखा मैंने, क्या करते फ्री एंटीवायरस, फ्री एंटीवायरस डाउनलोड करो, ये सुनो, यस सर, ये एंटीवायरस डाउनलोड तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बैकएंड में सर्विस यूज करते हो आप, जैसे आपने ये लिखा ना तो आपने क्या जनरेट करा, आपने क्या जनरेट किया, डेटा, अब ये डेटा किसको हैंड ओवर करेगा, यूजर, यूजर मॉडम को जाएगा, मॉडम से यस ओके, और ISP क्या देगा फिर, रिप्लाई, फिर रिप्लाई यूजर, यूजर को,
अब यूजर को एक वेबसाइट खुल के मिल गई जी सर, https antivirus। कौन सी वेबसाइट खोल दी मैंने? आवाज अवस्था। अब मुझे सर्विस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। अब जैसे आपको ये वेबसाइट आई ना, आप बहुत आपने बोला सर आज डाउनलोड हो जाएगा, आपको एक ऑप्शन मिला वेबसाइट पे। अब इस वेबसाइट पे जो ऑप्शन मिला ना, ये बॉक्स था ग्रीन कलर का, इस बॉक्स में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डाउनलोडेड। डाउनलोड और किस किस के लिए कर सकते हो? मैक, आईएसओ, लिनक्स, विंडोज, ठीक है भाई। ओके, सबके लिए कर सकते हो इसको डाउनलोड। जी सर, प्रॉब्लम ये आई कि आप इस वेबसाइट में अपलोड कर सकते हो कुछ नहीं? चलो देख भी लेते हैं। चलो क्या बोलना था, फ्री एंटीवायरस डालो जी। कोई भी खोल लेते हैं, पहली वेबसाइट ये आ गई जी सर, ऐड आ रही थी ना। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है? फ्री डाउनलोड। अभी वो बताओ नहीम जी, क्या अपलोड कर बात सकते हो इस पर कुछ चीजें? नहीं सर, अपलोड नहीं कर सकते हैं, सिक्योर अपलोड नहीं हो सकता, प्रोसेस ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब इसके बैकएंड में डेवलपर ने जो है ना बहुत सारे कोड डाल लगे, उन्होंने कोड में क्या लिख रखा है, इफ यूजर यूजर ट्राइंग टू डाउनलोड, उसको क्या कर दो अलाउ, उसने अलाउ कर दिया ट्राइंग टू अपलोड ब्लॉक, क्या कर दो उसको ब्लॉक। क्लियर है? चल ओके सर। अभी ये जो आप प्रोसेस करते हो ना डाउनलोड और अपलोड, इस प्रोसेस के लिए आप एक सर्विस उठा के लाते हो, कौन सी? एफटीपी, इसे बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड प्रोसेस। क्लियर है? ओके सर। एफटीपी यूज अपोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर 20 21, ठीक है। अब देखो ओके, अब याद रखना एक पोर्ट नंबर क्या बनाता है, कनेक्शन, कनेक्शन। वन पोर्ट यूज फॉर कनेक्शन एंड अनदर पोर्ट यूज फॉर डाउनलोड अपलोड प्रोसेस, ठीक है? ओके सर, दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं सर। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सर्विस पे। कॉपी कर लो डायग्राम। ओके सर, अब देखो यूजर को दोबारा क्या ओपन करनी पड़ती है, दोबारा से एप्लीकेशन। ओके सर, टैब नंबर बताइए। 4। बहुत बढ़िया, टैब नंबर से मुझे याद रहता है क्लास में ही आप। जी सर, टैब नंबर 4। अब टैब नंबर 4 पे आपने लिखा CCNA। ओके सर, लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा लिखा क्यों है। देखो क्या होता है, ISP जो है ना आपको किसी भी वेबसाइट पे ट्रैवल करा देता है। कैसे? सॉरी सर, क्या बोले? ISP आपको किसी भी वेबसाइट पे ट्रैवल करा देता है। कैसे करा देता है? सर्विस एक्सेप्ट। वो क्या कहता है ISP? ISP कहता है कि मैं बैकएंड में एक सर्विस यूज करता हूँ। ओके सर, DNS। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम सिस्टम। ओके ओके सर, डोमेन नेम सिस्टम किस लिए यूज होती है? इट यूज्ड टू रिजॉल्व द नेम एट दिस क्वेटर नेम एंड नेम टू आईपी नेम DNS। ओके, यूज्ड टू resolve name to IP. Okay, DNS again use port number 53. port number 53 port number 53 okay, DNS। अब ये क्या बोलता है कि मेरे पास क्या होते हैं messages। पहला जो message होता है उसे बोलते हैं DNS query message। सेकंड होता है DNS
रिप्लाई मैसेज। ओके सर। थर्ड होता है डीएनएस क्वेरी नॉट रिजॉल्व मैसेज। ओके, कितने मैसेज है बताइए? डीएनएस क्वेरी मैसेज 3 मैसेज हो गया, रिप्लाई मैसेज एंड नॉट रिजॉल्व द मैसेज। चलिए अब देखिए, अब याद रखना जितने भी आपके डोमेन नेम सर्वर होते हैं ना, डोमेन नेम सर्वर टाइप्स होते हैं, एक होता है लोकली जी सर, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। ग्लोबल, ओके सर। लोकल का मतलब इनसाइड इनसाइड ऑफिस लेन यूज, यस सर। ग्लोबल का मतलब आउटसाइड एंड इनसाइड इनसाइड बोथ यूज यूज पब्लिकली। ओके सर, पब्लिकली क्लियर है? चलो ओके सर। अब बात समझो, इस आईएसपी ने एक डीएनएस सर्वर बनाया अपने पास, उसने क्या बोला भाई मेरे पास एक डीएनएस सर्वर है जिसकी आईपी है 100.100.100.100। अब देखो मैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं एकदम एक्यूरेट वेबसाइट डाल रहा हूँ, मैं एक रैंडम डालता हूँ, कई बार बच्चे घर पे आके ढूंढने लगते हैं, तो पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने उसकी डालनी है आईपी एड्रेस, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है उसका सर्विस का नाम, और यहाँ पे डालना है उसका साइट नेम, साइट कि कौन सी वेबसाइट खुलेगी। अब देखो एक आईपी है 1.1.1, ओके सर, यूज कर रहा था एचटीटीपी, और वेबसाइट है आपकी सीसीएनए, सीसीएनए 2.2.2 जी सर, एचटीटीपीएस सर्विस सीसीएनपी, ओके सर, ठीक है 3.3.3, ओके सर, यूट्यूब सर्विस और यूट्यूब है वेबसाइट, ओके सर, 4.4.4.4 सर्विस है आपकी एचटीटीपीएस, यस जी सर, वेबसाइट है आपकी जेंटेक नेटवर्क्स, क्लियर है? ओके सर, क्लियर है इतना? चलिए ओके, देखिए बात समझिए, अब इस यूजर को सीसीएनए पे जाना है, तो यूजर को भाई आईपी थोड़ी ना पता है वेबसाइट का, आप गूगल पे जाते हो जी सर, गूगल का आईपी बता सकते हो अभी एंटर करते ही, जैसे मैंने लिखा गूगल, आप बता सकते हो आईपी क्या है इसकी? नहीं सर, आपने तो नहीं कर लिया, और आपको क्या मिल गया? वेबसाइट एक्सेस जी सर। अब देखो क्या होता है कि आईएसपी के इंजीनियर मॉडेम पे गए और मॉडेम पे बोला कि डीएनएस सर्वर की भैया आईपी है 100.100.100.100, याद रखना। अब यूजर से लिखा सीसीएनए, क्या लिखा? सीसीएनए, और जैसे ही मोहल्ले में सीसीएनए टाइप करा, इन्होंने भैया ने एक मैसेज जनरेट कर दिया, क्या जनरेट करा? इन्होंने बोला मुझे आईपी नहीं पता थी इसकी, खोलूंगा कैसे, तो आई एम सेंडिंग डीएनएस, क्या भेज रहे हो आप मोहल्ले में? अब डीएनएस क्वेरी में भेज रहे हो आप, हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सीसीएनए कौन है जी सर, सीसीएनए है कौन, कौन? अब मुझे उसका आंसर दो, आंसर में क्या बताओ उसकी आईपी दे दो, आईपी बताओ। तो ये क्वेरी मैसेज जाता कहाँ पर है? पहले मॉडेम पे, मॉडेम ने देखा क्या मांग रहा है ये, तो आंसर आईपी मैं तो दे नहीं सकता, इसने बोला डीएनएस सर्वर को भेजो आईएसपी, और आईएसपी किसको हैंड ओवर कर दिया? मॉडेम को, डीएनएस सर्वर को। अब आईएसपी ने लिया और डीएनएस को दे दिया, क्योंकि ढूंढ किसको रहे हो? सीसीएनई की वेबसाइट को। अब जैसे सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट आई, सर्वर ने देखना चालू करा कि सीसीएनए है कोई वेबसाइट, देखना मुझे बताना जी सर, है कोई वेबसाइट नेम जी? जी सर, कौन सी है, आईपी क्या है? 1.1.1.1। तो अब आईएसपी को मिल गया, आईएसपी तो क्या हुआ खुश, उसने भेजा रिप्लाई। अब यूजर को क्या रिसीव हुआ आईएसपी से, क्वेरी का क्या रिसीव हुआ? आईपी। अब उसने आईएसपी ने क्या बोला? डियर ये है डीएनएस क्वेरी रिप्लाई, आंसर में है आईपी, क्या भेजूंगा? आईपी। आईपी आपने बोला था क्वेश्चन जी सर, क्वेश्चन था सीसीएनए कौन है, और मैंने लिख दिया आंसर, उसका आंसर है 1.1.1.1। ये वाले बंदे से बात कर लेना, क्लियर है? अब ये रिसीव हुआ और यूजर के पास कौन सी वेबसाइट खुल गई? एचटीटीपी सीसीएनए,
ccna.com क्लियर हुआ इतना? ओके सर। अब दूसरी टैब खोलूं भाई? जी सर। यहां तक कोई डाउट हो ना नईम जी पूछ लेना। नहीं सर कोई डाउट नहीं। टैब नंबर? जी सर। 5। और मोहल्ले में क्या एंटर करने वाला हूं मैं? टैली को बताओ। यहाँ पे लिख दिया एबीसी। एबीसी ओके सर। अब जैसी एबीसी लिखा फिर यूजर ने क्या जनरेट कर दिया? क्वेरी। क्वेरी याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ सेम यही प्रोसेस होगा, दिखाऊंगा भी। ओके सर। और पूछूंगा भी मैं बाद में। डीएनएस क्वेरी? ओके जी सर। डीएनएस क्वेरी में क्वेश्चन है एबीसी? एबीसी ओके सर। क्या मांगोगे उससे? अब आप अपना एबीसी का आंसर में आईपी दे भाई। आईपी बोलोगे आप? आईपी दे दो मुझे। जी जी। मॉडेम के पास गया, मॉडेम ने डीएनएस को दिया, आईएसपी को दिया, आईएसपी ने किसको दे दिया? सर्वर को। बिल्कुल अब आ गए आप लाइन पे। सर्वर को देते ही सर्वर ने चेक करा एबीसी मोहल्ले में है क्या कोई, देख के बताना। नहीं है। एबीसी तो मिली नहीं। अब आईएसपी मोहल्ले में जाके एक मैसेज भेज दिया यूजर के पास, और यूजर को मिलता है ये वाला मैसेज। देख के आप खुद ही बोलोगे सर ये मैसेज आता है मुझे। This site cannot be. कभी आया ये वाला मैसेज? एक और बात कर लेते हैं, फीचर पढ़ने थे ना। चलो जी सर। एक लेयर को पढ़ाने में एक घंटा लगता है कम से कम। जी। फीचर होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। बहुत बढ़िया मजा आएगा आप देखो। आपको नोटिफिकेशन? जी सर। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन नेम जी कैसे पढ़ सकते हो, दो बंदे बना लेते हैं यहाँ पे। एक यूजर मोबाइल पे है, एक यूजर यहाँ पे मोबाइल पे। ओके सर। एक का नाम है बॉब और एक का नाम है सैम। अब बॉब ने व्हाट्सएप खोला। जी सर। व्हाट्सएप खोला तो उसने क्या कर रखा होता है, मोबाइल डेटा को ऑफ ऑन। मोबाइल डेटा क्या करके उसने ऑन ऑन, मोबाइल डेटा ऑन करके उसने क्या भेजा आपको, एक हाय मैसेज। लेकिन सैम ने क्या कर रखा है, व्हाट्सएप तो ऑन है लेकिन मोबाइल डेटा क्या कर रखा है ऑफ। अब भैया जो बॉब थे ना उनके पास एक मैसेज आ रहा बड़ा बड़ा स्क्रीन में, लास्ट सीन। ओके सर। 920 इसका मतलब क्या बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन हूँ या ऑफलाइन? यूजर ऑनलाइन है, ऑफलाइन है डेस्टिनेशन वाला? ऑफलाइन है, लास्ट टाइम शो दिखा रहा। नहीं नहीं, आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या यूजर जिसको आप भेजना चाहते हो वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑफलाइन है सर, लास्ट सीन दिखा रहा हूँ। कौन है, बॉब है या सैम है? सैम है। सैम है, याद रखना। अब ये जो लास्ट सीन है इसने आपको क्या बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन किसके थ्रू पता चला? व्हाट्सएप ऐप के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू। किसके थ्रू? एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन के थ्रू, क्लियर है? चल जी सर। एक और एग्जांपल ले लो, बॉब एक ब्राउजर यूज कर रहा है क्रोम। ओके सर। और क्रोम पे लिखा आ रहा है ये वाला मैसेज, नो इंटरनेट कनेक्शन। इसका मतलब क्या है, ये मैसेज किसने भेजा है आपको, एप्लीकेशन ने भेजा? एप्लीकेशन को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली नहीं है तो इसलिए आया नहीं है। जी सर। देखो नोटिफिकेशन क्या होता है, जैसी मोबाइल डेटा ऑन, जैसी मोबाइल डेटा क्या हुआ ऑन, ऑन और आपके पास क्या लिखा गया, हाय मैसेज सैम ऑनलाइन आ गया मैसेज। जी जी। और कई बार आपके पास विंडोज मशीन पे ये जो वाईफाई है यहाँ पे नेटवर्क पे बना आता है कनेक्टेड, दिखा दो ये सुनो। और कई बार अगर आपकी डुप्लीकेट आईपी मिलती है तो यहाँ पे येलो ट्रायंगल बना आता है। जी जी। और यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ये देखो आई वन नोटिफिकेशन, पढ़ो क्या लिखा है, टर्न ऑन विंडो फायरवॉल। जी सर। अगर विंडो अपडेट करनी है तो उसका भी फायरवॉल का भी आएगा। जी सर। क्लियर है? चलो ओके सर। एप्लीकेशन क्लियर हुई? 10 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर हम आएंगे दोबारा से।